नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन गोयल, आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर में शुरुआती लक्षण जो मरीज को होते हैं, सिर में दर्द होना, उल्टी आना, चक्कर आना, इस तरह के लक्षण शुरुआती दौर में मरीज को होते हैं। जो मरीज हमारे पास आते हैं उनका फिर इवेल्युएशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस में सीटी स्कैन ब्रेन का, एमआरआई, और अगर हमें ये डाउट होता है कि ये ब्रेन ट्यूमर कहीं और से आया हुआ है, जैसे कई बार किडनी का या छाती का ट्यूमर ब्रेन के अंदर चला जाता है, उस स्थिति में हम लोग पैट स्कैन, होल बॉडी पैट सीटी करते हैं। ब्रेन ट्यूमर का पता चलने पर उसका इलाज किया जाता है, इसमें सर्जरी का मुख्य रोल है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है, इससे घबराएं नहीं। इनिशियली ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी को काफ़ी मुश्किल माना जाता था, पर आज के दौर में माइक्रोस्कोप की सुविधा के आगे ये काफ़ी आसान हो गई है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद ट्यूमर निकाला जाता है और उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। ट्यूमर जांच की रिपोर्ट जो भी आती है उस आधार पर उसका आगे का इलाज किया जाता है। ब्रेन के ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, कैंसरस ट्यूमर होते हैं जिनका इलाज अलग तरीके से किया जाता है, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं जिनका इलाज दूसरी तरह से किया जाता है। नॉन कैंसरस ट्यूमर्स में एक बार सर्जरी करने के बाद प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। कैंसरस ट्यूमर्स में सर्जरी के बाद पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी दी जाती है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद मरीज को काफ़ी राहत मिलती है और इस बीमारी से घबराएं नहीं। ये बीमारी का अगर सही समय पर जल्दी डायग्नोसिस किया जाए, जल्दी ऑपरेशन किया जाए, जल्दी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी शुरू की जाए तो प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है, पेशेंट्स का लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छा रहता है। थैंक यू।